सरन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज करूंगी मैं दो सलवारा की कटिंग एक ही वीडियो में। यो इसका कमीज है, इसने अलग रख दूँ, और इस सलवार का कमीज यो है। इस कपड़े की बनाऊंगी 2 मीटर की सलवार और इसकी 2.5 मीटर की। पहले 2 मीटर वाला कपड़े की कटिंग कर लो। सलवार की लंबाई है 36 इंच, 36 इंच का हिसाब तक करूँगी, और मोरी है 7 इंच। बस 2 ही नाप लेने हैं इसमें, मोरी का और लंबाई का। इसने एक साइड रख दूँ। प्रेस कर ली मैंने, जो सड़ा में थी जमा, ये सड़क निकाल ली, फिर भी तय करी तो सड़ोगी। या उल्टी साइड है और या सीधी साइड है। ये डबल फोल्ड में कर लिया। या कपड़े की लंबाई है और या चौड़ाई है। यो है 2.5 मीटर कपड़ा। ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसमें तो मैं 2 मीटर कपड़े की सलवार बनाऊंगी। ये डबल फोल्ड में कर लिया और ये लंबाई गबड़ कर लिया, और ये 4 फोल्ड में चौड़ाई गबड़ कर लूँगी। सलवार की लंबाई है 36 इंच, बेल्ट 5 इंच, मोरी 7 इंच। इसके अकॉर्डिंग करूँगी मैं सलवार की कटिंग। ये डबल फोल्ड में सलवार का कपड़ा बिछा लिया। बिना तख्तिया की सलवार बनाऊँगी मैं। ये लंबाई है या चौड़ाई है सलवार की, 32 इंच ले लिया मैंने। 5 इंच की बेल्ट लगाऊँगी तो फिर यो 32 इंच ले लिया, आधा आधा इंच सिलाई में चला जाओगा तो 31 इंच बच जाएगी लंबाई, और 5 इंच की बेल्ट 36 इंच की तैयार हो जाएगी। इसमें मैं ये कट कर लूँगी, एड तक ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूँगी, इसमें तय बेल्ट बनाऊँगी। और इस नई पर यह डबल फोल्ड में है, 4 फोल्ड में कर दूँगी। ये 4 फोल्ड में बिछा लिया कपड़ा। ये भी इसका मोरी का निशान लगाऊँगी नीचे तय, 7 इंच की तैयार रखूँगी। ये 7 इंच पर निशान लगा दिया, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन खातर। ये निशान लगा दिया 1.5 इंच पे, और आसन की तरफ तय ये आड़ा ऊपर तय आसन लेंगी, 9 इंच। आधा आधा सिलाई में चला जाओगा नीचे ऊपर, 8 इंच बच जाएगा, 5 इंच की बेल्ट लग जाएगी, 13 इंच का आसन तैयार हो जाएगा। ये 9 इंच पे निशान लगा दिया, और ये इस निशान तय इस निशान पर मिला दूँगी। ये सेप पट्टी लेंगी इस तय, ये तिरछा तिरछा हो जाएगा आड़ तक, सेप सी आ जाएगी, और ये निशान लगा दूँगी। सिर्फ यही कटिंग होगी इस सलवार की, बिना तख्तिया की सलवार। बहुत ईजी तरीका है यो, बहुत आसानी से बन जाएगी। जिसने ना सिलाई आंदी हो नहीं, वो भी इस तरीका तो देख के ना सिल सका है। ये भी इसने एड तक कट कर दूंगी। इसने पाकिस्तानी सलवार भी बोलते हैं, और बिना तख्तिया की सलवार भी। और यो एड तो ऊपर तक बंद है, ये एड तक भी कटिंग कर लूँगी निशान लगा के ना। निशान लगा के ना कटिंग करना में बहुत आसानी हो जाए है, टेढ़ी कौन जाओगी। ये कपड़ा एकदम सीध में कटेगा। ये निशान लगा लिया, और इसने यू खोल के भी कटिंग कर सको हो। ये पूरा खोल लिया कपड़ा, और इस पर तय बहुत आसानी तय एकदम सीधी कटिंग हो गई। ये देखो सलवार की एक टांग या होगी और एक या, कितना इजी तरीका तो बन जाए ये सलवार। ये होगी सलवार की कटिंग। ये रहेगी बेल्ट, बेल्ट की कटिंग और कर दो। ये जो ये कपड़ा बचा इसमें तो बेल्ट बनाऊंगी। और 1.5 मीटर कपड़ा यूज करना हो तो 32 इंच इसमें लग गया है, तो यू साइड में तो जो आड़ तक कटिंग हुई थी, ये कपड़ा बचा है, इसके बीच में सिलाई लगा के ना इसमें तभी बेल्ट बना सका हाँ। ये देखो बहुत ही आसानी तो बन जाएगी। ये लंबाई से 23 इंच होगी, और चौड़ाई तो है ही फालतू, कितनी है भी 36, 37, 38 इंच तक की सलवार 1.5 मीटर में बन सका है बिना तख्तियाँ की। इसमें जोड़ ला के ना बना सको, मैं बनाऊंगी इसमें तय। इसमें भी जोड़ लाना पड़ेगा, ये 21 इंच है तो मैं लेंगी 23 इंच लंबाई बेल्ट की, 2 इंच जोड़ चढ़ेगा एड, 5 इंच की तैयार बनाऊंगी बेल्ट, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाऊंगा, 2.5 इंच ऊपर मोड़न खातर, तो 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं, लूँगी 8 इंच। ये 8 इंच पर निशान लगा दिया, और चौड़ाई 23 इंच तैयार रखूँगी तो 21 इंच है, ये डबल में 42 इंच हो जाएगी। इसमें इस कपड़ा में और 2 इंच का जोड़ चढ़ाऊँगी तो 3 इंच का जोड़ चढ़ाना पड़ेगा, 23 इंच तैयार रखूँगी, 3 इंच कपड़ा ऐडा चढ़ा दूँगी। इस पर तय कटिंग कर दो, यह होगी बेल्ट। इसका 3 इंच का जोड़ चढ़ा दूँगी इस कपड़ा में, तय ये ऐड तय कटिंग कर दूँगी इसकी। यह होगी बेल्ट की कटिंग, यह होगी बेल्ट, यह होगी सलवार। बहुत ही आसानी तक कटिंग करी जा सका है। इसके आसन जोड़ दूंगी और यह बेल्ट लगा लूंगी तैयार के करके, पोचे
बना दूंगी और सलवार रेडी हो जाएगी। मैंने पहले भी कई वीडियो बना के डाल रखी सलवारा की स्टिचिंग की भी और कटिंग की भी, उस पर भी जाके देख सकते। इसमें मैं कटिंग बताऊंगी। 2 मीटर सलवार की कटिंग होगी कंप्लीट, ये करूंगी 2.5 मीटर सलवार की कटिंग। सलवार का नाप है लंबाई 38 इंच, बेल्ट 6 इंच, मोरी 7 इंच, इसका अकॉर्डिंग करूंगी 2.5 मीटर सलवार की कटिंग। जो सलवार का 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया मैंने, इसकी लंबाई लेंगी, ये लंबाई का बड़ 33 इंच ले लिया, आधा आधा इंच सिलाई में चला जाओगा, बीच में बच जाएगा 32 इंच, इसने फोल्ड कर लूँगी। ये डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया मैंने 33 इंच, और ये तख्ते और बेल्ट निकालूंगी इसमें, तो यू बचता रहूँगा, यू भी 33 इंच है, 33 इंच चाहिए लंबाई, आधा इंच सिलाई में चला जाओगा, आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे, तो बीच में बच जाएगा 32 इंच, 6 इंच की बेल्ट लगा दूंगी, तैयार हो जाएगा 38 इंच। और यो 33 इंच कपड़ा ले लिया, 33 इंच नीचे बच गया, इसकी एड तक कटिंग कर दूंगी, तख्ते की कटिंग कर दो, यो कपड़ा बचे आ जाओ। डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया, इसमें तक बेल्ट और तख्ते काट दूंगी। बेल्ट है, पहले बेल्ट निकालूंगी, बेल्ट है 6 इंच तैयार, आधा इंच सिलाई में चले जाओगा मार्जिन में, और 2.5 इंच मोड़न खातर चाहिए, 6 इंच तैयार, 2.5 इंच मोड़न खातर, और आधा इंच 9 इंच की ले लो, कम नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा फालतू वेसन तो हो जाए, 9 इंच पर निशान लगा दूंगी, ये 9 इंच पर निशान लगा दिया दुर्गी दूर। यह होगी बेल्ट और ये तख्ते बचे हैं 12 इंच, ये तख्ते की मार्किंग कर ली, ये तख्ते की कटिंग कर दूँ, ये तख्ते हो गए दोनों, और इसमें तो बेल्ट बनाऊंगी, बेल्ट चौड़ाई तो ले रखी है, लंबाई और ले लूँ, लंबाई रखूंगी 25 इंच तैयार, तो 26 इंच लेंगी मैं, आधा आधा इंच सिलाई में चला जाऊंगा, 26 इंच पर निशान लगा दिया मैंने। यार बेल्ट की चौड़ाई 26 इंच ले ली, या ली है 42 इंच का हिसाब से, 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगी ईप का हिसाब से, 26 × 52 होगी, तो 52 42 इंच के हिसाब से 10 इंच एक्स्ट्रा होगी, ये ईप पर जमा सही आओगी बेल्ट, नाई लूजर होगी। या 26 इंच पर कटिंग कर ली, और इसने बीच में तो बंद है, इसने और कटिंग कर लूँगी, यह होगी बेल्ट की कटिंग, यह होगी तख्ते की, ये बरह गए कली, ये 33 इंच है लंबाई, तो 12 इंच है यो चौड़ाई तख्ते की, आधा आधा इंच सिलाई में चला जाओगा तो 11 इंच बच जाएगा, 5.5 इंच के पाचे बच गए, तो 5.5 इंच में ऐड लाऊंगी, 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, थोड़ा सा बढ़ा के ले लूँगी, 3 इंच पर उरा ने निशान लगा दिया, और 3 इंच इस सिरे पर लगा दिया, 7 इंच के पाचे तैयार चाहिए हमने, आधा इंच उरा ने सिलाई में चलिया जाओगा, आधा इंच उरा ने सिलाई में चलिया जाओगा, तो बच जाएगा 2 इंच, 5.5 इंच के ये हैं, तो 7.5 इंच में थोड़ा और लूजे लेंगी, 7 इंच के पाचे तैयार हो जाएंगे, और इब इस सिरे पर है, और इस सिरे पर निशान लगाऊंगी, ये लगा दिया निशान, और ईब निकालूंगी आसन, आसन रखूंगी 13 इंच का, 6 इंच की बेल्ट लगेगी, तो 8 इंच लेंगी आसन खातर, आधा आधा इंच सिलाई में चला जाओगा ऊपर नीचे, तो बीच में बच जाएगा 7 इंच, 7 इंच यो बच जाएगा, आधा आधा इंच सिलाई में जा पाछे, और 6 इंच की बेल्ट लग जाएगी, तो 13 इंच का आसन तैयार हो जाएगा, ये लगा दिया 8 इंच पर निशान, और 8 इंच पर इस साइड, और बुरा भी ये निशान लगा दूंगी, ये बंद साइड है, और ये भी इस पता है कटिंग कर दूंगी, पहले यह सीधी कटिंग करूंगी, और फिर यह आसन वाली ये कटिंग और कर दूँ, और यह आसन की भी कटिंग कर दूंगी इस साइड तक भी, और यह बंद साइड है, पूरा तभी कटिंग कर दूंगी। यह होगी 2.5 मीटर सलवार की कटिंग, और ये नीचे भी बंद है, इसने भी काट, यह होगी कलियाँ की कटिंग, या बेल्ट, और ये दोनों तख्ते, एक इस साइड लग जाएगा, एक उस साइड लग जाएगा, या फूल है भी सलवार होगी 2.5 मीटर में, देखो पटियाला सलवार।